एजेंट्स नाम के भरोसे चल रहा जलगांव में आरटीओ कार्यालय कारोबार। आरटीओ कार्यालय के कार्यों से सभी वाकिफ हैं और बताया जाता है कि आरटीओ दफ्तर समेत अन्य कार्यों के लिए एजेंट्स की मदद ली जाती है। यहां तक कि एजेंट्स ही तय करते हैं कि किसका काम होना है किसका नहीं। कुल मिलाकर जलगांव में आरटीओ संबंधित कार्य एजेंट के भरोसे ही चलते हैं। जलगांव में एमआईडीसी इलाके में परमिट रिन्यू करने अथवा नया परमिट देने से पहले आरटीओ द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाती है, लेकिन यहाँ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गुणवत्ता किस तरह चेक हो रही है। जनाब गाड़ी के आगे से खड़े होकर ब्रेक और लाइट चेक कर रहे हैं, जबकि यहाँ गाड़ियों में ब्रेक लाइट है ही नहीं और बिन इसके भी आरटीओ के अधिकारी इसे पास कर दे रहे हैं। ये सब कुछ एजेंट की देखरेख में होता है और बगैर नियमों की पूर्ति के भी सभी गाड़ियों को पास कर दिया जाता है। इस बारे में वही मौजूद कुछ गाड़ी वालों ने यह बताया कि ये सब कुछ आर्थिक समीकरणों के लिए किया जाता है। अब सवाल ये है कि आरटीओ की इन गलतियों की सजा गरीब जनता क्यों भुगते, क्योंकि अगर सही जांच नहीं हुई तो ये बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण हो सकता है। इंडिया आप तक आरटीओ विभाग से आग्रह करता है कि कृपया अपनी जांचों में कोताही ना बरतें, जिससे किसी की जान से खिलवाड़ ना हो पाए। जलगांव से सुनील भोले के साथ ब्यूरो न्यूज इंडिया आप तक। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।